राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की नई सरकार बनाने का दिया न्योता। 9 जून की शाम होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया। अपने हाथों से खिलाया दही। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में रविवार की शाम 7:15 होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने लिया शपथ ग्रहण स्थल का जायजा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया। किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने पर लगी पाबंदी। 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के बाद बोले मनोनीत पीएम मोदी। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति, सेशल्स के उपराष्ट्रपति और बांग्लादेश के पीएम होंगे शामिल। मॉरिशस पीएम, नेपाल के पीएम और भूटान के पीएम भी रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रात्रि भोज में भी शामिल होंगे विदेशी मेहमान। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगे डिनर। नरेंद्र मोदी पीएम मनोनीत किए जाने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। जेपी नड्डा के घर पर देर रात तक एनडीए के नेताओं की 1-to-1 मीटिंग। अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 4 घंटे तक मीटिंग। एक एक कर एनडीए के सभी दलों के नेताओं से हुई मुलाकात। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, अजित पवार, एचडी कुमारस्वामी और जयंत चौधरी पहुंचे। मंत्रिमंडल पर पहुंची चर्चा। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस, शिवसेना और एनसीपी को मिल सकता है 1-1 मंत्री पद। आरएलडी और अपना दल को भी 1-1 मंत्री पद मिलने की संभावना। एनडीए के बड़े दलों के लिए बन सकता है फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक 1 कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री का दिया जा सकता है पद। एलजेपी आर चीफ चिराग पासवान का बयान, हमारी कोई डिमांड नहीं, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन। टीडीपी नेता कृष्ण देवरायलू बोले, केंद्र में मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं, राज्य की आर्थिक मदद हमारी मांग। नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा मुझे लगा इस बार ईवीएम की अर्थी निकालेगी, लेकिन 4 जून को ईवीएम ने इन्हें चुप करा दिया। ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं, एनडीए की बैठक में बोले मोदी। नरेंद्र मोदी ने एनडीए को सबसे सफल गठबंधन बताया, कहा यह अलायंस राष्ट्र प्रथम के लिए प्रतिबद्ध। नरेंद्र मोदी ने कहा एनडीए सरकार विकास और गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेगी, विकसित भारत का सपना करेगी साकार। अमित शाह ने कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 10 साल आगे बढ़ा, अगले 5 साल देश के पीएम रहेंगे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा देश रच रहा इतिहास, तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बन रही। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने कहा अब इधर उधर नहीं होने वाला, मिलकर चलेंगे, सब साथ रहेंगे। सीएम नीतीश ने एनडीए गठबंधन पर किया प्रहार, कहा इधर उधर जो जीते हैं वो अगली बार हारेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा मोदी के प्रचार से आंध्र में हुआ गठबंधन को फायदा, मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, झुककर किया प्रणाम, मोदी ने थपथपाई पीठ। जालौर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, बोले किसकी सरकार बनती है ये समय बताएगा, स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी को नहीं दिया। सचिन पायलट ने कहा जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार होगी, कांग्रेस का संख्या बल 2 गुना हुआ। मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर कांग्रेस का अटैक, पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, गठबंधन ने पहले चुन लिया। एनडीए को ऑर्गेनिक अलायंस बताने पर उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई का तंज, गठबंधन में अभी से बयानबाजी शुरू। गिरिराज सिंह ने एनडीए गठबंधन पर बोला हमला, कहा एनडीए गठबंधन थेट्रोलॉजी पर काम करता है, मोदी प्रधानमंत्री थे और रहेंगे। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा जो राहुल गांधी 3 चुनाव में भी 99 नहीं पार कर पाए वो जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस निर्जलता की सीमा पर आ गई। नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल का विजन पेश किया, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में चुने जाने पर दी बधाई, बोले ये देश के लिए सौभाग्य की बात। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, विपक्ष को जनता ने नकारा, मोदी जी को स्वीकारा। मोदी ने 10 साल के विकास का ट्रेलर दिखाया, आगे कुछ बड़ा करेंगे, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद बोले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिले नरेंद्र मोदी, घर जाकर की मुलाकात। कांग्रेस में आज चलेगा बैठकों का दौर, सुबह 11 बजे अशोका होटल में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस संसदीय दल की संसद के सेंट्रल हॉल में शाम 5:30 बजे होगी मीटिंग, नवनिर्वाचित सांसदों के साथ राज्यसभा के सांसद भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का शाम 7 बजे होटल अशोका में डिनर, संसदीय दल के सभी मेंबर्स डिनर में होंगे शामिल। पार्टी से अलग होने पर बोले अधीर रंजन चौधरी, दिल्ली में मेरे बारे में अफवाह फैला रहे लोग, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जा रहा हूं, जिसे मिलना हो आ जाए। मुंबई के कलानगर इलाके में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाए गए पोस्टर, तीसरे कार्यकाल के लिए दी गई बधाइयां। मुंबई में आज बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। देवेंद्र फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने रहेंगे, केंद्र में सरकार गठन के बाद उनकी मांग पर होगा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर।
सीएम एकनाथ शिंदे ने आज शाम 4 बजे बुलाई शिवसेना विधायकों की बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। हार के कारण की समीक्षा और आने वाले दिनों का तैयार होगा रोडमैप। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक। सभी नवनिर्वाचित सांसद बैठक में होंगे शामिल। बैठक से पहले अखिलेश यादव की पोस्ट। कहा, यूपी की जनता ने नया दायित्व दिया, इसे हम बखूबी से निभाएंगे। रामपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद महबूबुल्ला नदवी बोले, चुनाव में डेमोक्रेसी और इंसानियत जीती है। घोसी से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद राजीव राय ने कहा, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद किया। राजीव राय का बयान, बोले, जब मैं सांसद नहीं था तब भी जनता के मुद्दों को उठाता था, उनके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। सीकर से नवनिर्वाचित सीपीआईएम सांसद अमरा राम बोले, मैं संसद में उठाऊंगा लोगों की आवाज, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करूंगा।